स्वागत है दोस्तों आप सबका, और मैं आ चुका हूं, आरपी आ चुके हैं, और बात होगी इसकी कि एशिया का किंग कौन। आखिरी जंग जो है वो होने वाली है श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच। एक ड्रेस रिहर्सल तो हुआ, एक ऐसा एक वार्म अप सा मैच हुआ उन दोनों के बीच, हालांकि मतलब ऑफिशियल मैच था, और उसमें श्रीलंका ने धो डाला पाकिस्तान को, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका फेवरेट है, मतलब हमको लग रहा है। लेकिन आरपी को क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, इस पर बात करते हैं कि एशिया का किंग कौन के फाइनल में फेवरेट कौन है, पाकिस्तान है या श्रीलंका, उसके बाद हम उस पर बारीकी पे जाएंगे और अंदर जाके बात करेंगे। जैसा श्रीलंका ने खेला मुझे लगता है श्रीलंका फेवरेट है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा आपका स्टेटमेंट है। श्रीलंका मतलब प्लेयर ऑन प्लेयर अगर कंपैरिजन करें, प्लेयर टू प्लेयर, तो पाकिस्तान के प्लेयर मच बेटर प्लेयर है श्रीलंका के मुकाबले। देखिए आपके नाम उनके ध्यान है, आपने देखा उनकी परफॉर्मेंस बहुत बड़े बड़े, श्रीलंका ने अभी उदय हुआ है उनका, मैं कहूंगा इसी टूर्नामेंट में उनका उदय हुआ है। उदय हुआ पहला मैच हारने के बाद, बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने अप्रोच में चेंज किया, खेलने के तरीके में थोड़ा बदलाव किया, चलते मैच में रणनीतियां बदली, और उन्होंने जाना श्रीलंका ने कि मैच अगर क्लोज जाए तो ट्रिक है हमारे पास मैच जीतने के, तो पहला काम किया मैच के क्लोज जाना, जब भी चेस करने का मौका है, बिल्कुल, तो उन्होंने उसी रणनीति को अपनाया और क्लोज करके मैच खत्म करने का हिम्मत दिखाया। तो मतलब आप फेवरेट कह रहे हो, तो ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर आखिरी मैच का ड्रेस रिहर्सल देखें या बाकी मैचेस भी देखें, तो श्रीलंका की टीम में एक अलग कैरेक्टर दिखा, और टेम्परामेंट वाइज जो आपने कहा ना मैच क्लोज करना और मैच के बीच में रणनीति चेंज करना, ये तो बहुत एक बड़ी क्वालिटी श्रीलंका की टीम ने दिखाई है आरपी। ये मतलब चलते मैच में प्लान बनाना, वही तो क्वालिटी होती है, क्योंकि मैच की परिस्थितियां भिन्न भिन्न समय में भिन्न होती है, उसके अनुसार अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए प्लान चेंज करना वो बड़ी बात होती है, बिल्कुल, और उस जो आपने रणनीति बनाई उस पर खड़े उतरना कि आपकी पूरी टीम कप्तान के या सपोर्ट स्टाफ के प्लान को फॉलो कर रही है, उनमें विश्वास दिखाया कि जो आपने बनाया वो सही, हम उस पर करने जाएंगे, और करके आप रिजल्ट देखिए कितने अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरी बात ये कि बीच में दो उनके जो खिलाड़ी हैं, मैं नाम याद करता हूँ, याद होगी श्रीलंका की टीम दोस्तों, वैसे ऐसा नहीं है, श्रीलंका के खिलाड़ियों ने अपने परफॉर्मेंस से नाम याद दिला दी है, एक मेरे ख्याल से गुणतिलका है बीच में और दूसरे हैं असलंका, ये दोनों जो है फॉर्म में नहीं है, लेकिन पूरी टीम जो है बाकी उनके बल्लेबाज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर्म में, ये एक बहुत बड़ी बात है। बॉलर्स आते हैं तो हर कोई आप देखिए विकेट शेयर करते हैं आरपी, ऐसा नहीं कि एक जो है गुच्छे में विकेट ले जा रहा है, ना दो 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 तीन एक ऐसे करके विकेट ले रहे हैं। अब तो पूरी टीम पिछले मैच का स्कोर कार्ड दिख रहा था, इसमें हसरंगा के तीन विकेट हैं, बाकी डिसलवा के एक है, मधुसूदन के दो हैं, तिक्षाणा के दो हैं, कर्णवर्धने के एक हैं, तो सबने मिल बांट के, और दूसरी चीज आप एक चीज और देखिए इसमें टीम का कॉम्बिनेशन, छह गेंदबाज के विकल्प हैं इनके पास, जिसमें एक पार्ट टाइमर जो अच्छी गेंदबाजी कर सकता है, छह से हमेशा आपको बेनिफिट मिलता है, बिल्कुल, अगर किसी का दिन सही नहीं हुआ तो आप किसी को दूसरे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दिलशान का जो तेज गेंदबाज उनका थोड़ा चार ओवर 35 चले गया, तो लातक किया जाए ज्यादा नहीं चलेगा, पर उसके बावजूद बाकी लोगों ने उसको कंट्रोल रखा, तो बहुत यूनिट तरीके से खेली टीम, और शायद इसमें कोई हाईस्ट रन रिटर्न ना हो या हाईस्ट विकेट टेकर, पर टीम जीतने के कगार पे है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है, तो मतलब कल श्रीलंका जीत रही है, मनाओ जश्न श्रीलंकन ना क्या लोगों। लेकिन अगर बात करें श्रीलंकन टीम का, एक बात मैंने क्या कि मतलब ऐसा है कि हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, रन्स के लिहाज से देख लीजिए, विकेट्स के लिहाज से देख लीजिए, फील्डिंग में टीम तेज तरार है। पाकिस्तान के साथ क्या है, पाकिस्तान के साथ थोड़ा इंडियन सिंड्रोम जो है वो है, वो क्या है कि आप बहुत ज्यादा टॉप हेवी टाइप टीम हो, आप बहुत ज्यादा से रोहित और विराट पे डिपेंड करते हो, यहाँ पे रिजवान और बाबर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हो, बाबर का विकेट गया नहीं दिल से टूट जाता है, ये एक बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज भी है पाकिस्तान के साथ आरपी। बिल्कुल, फखर जमान भी नाम जोड़ लीजिए, कि हमें उनको लगता है कि फखर जमान चलेंगे और मैच एक तरफा कर देंगे, चले नहीं, एक बार उन्होंने खेल दिया उसको वो कैरी होता जा रहा है, बिल्कुल, तो तीनों जो तीनों टॉप ऑर्डर वैसा ही है, बाबर रिजवान थोड़ा समझदारी भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर बाबर के आउट होने से थोड़ा दिल तो टूट जाता ही है। और देखिए कोलैप्स हुआ बाबर और रिजवान के आउट होने के बाद 121 पे आप सिमट गए, तो ये बाबर और रिजवान का विकेट लेना जो होता है सामने वाली टीम को, एक तो मतलब उनका हौसला ही बढ़ जाता है, चढ़ जाती है आप पे, और जो आप अपने खुद पाकिस्तान की टीम है, जैसे इंडियन टीम के साथ होता है, रोहित आउट हो गया, विराट आउट हो गया, सडनली एक डिप्रेशन सा जो है वो पूरे ड्रेसिंग रूम में चले जाता है वैसा लगता है, तो ये पाकिस्तान को ध्यान रखना होगा कि टॉप टू जो है या तो बैटिंग करे, किसी एक का 15-17-18 तक खेलना आवश्यक है अगर पाकिस्तान को बड़ा स्कोर करना, क्योंकि ये धुरी का काम करते हैं, वो खेलते भी अच्छा है, धुरी का काम करते हैं, उसके आसपास बाकी बल्लेबाज 35-30-22-21 जोड़ते रहते हैं, इनमें से किसी का बड़ा रन करना जरूरी, तभी पाकिस्तान का बड़ा स्कोर बनता है। ये दोनों आउट हुए तो बाकियों में वो एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि बड़े शॉट मारना कोई बड़ी बात नहीं है इंटरनेशनल में, सिंगल रोटेट करना आजकल बड़ी बात हो गई, बिल्कुल, ये छक्का मार के आप चार सिंगल, वो बड़ी बात हो गई आज तो छक्का, और रिजवान बहुत अच्छे से खेला, बहुत फैन है रिजवान के, मैंने देखा कि मैच बहुत तगड़ा चलाता है, बहुत अच्छा चलाता है, मैच चलाने वाला प्लेयर बहुत जरूरी है, आपको पता नहीं चलता कब मैच चला दिया और मैच के आप करीब पहुंच गए, बिल्कुल, तो टॉप हैवी टीम है और वही एक समस्या भी उनके लिए, बिल्कुल टॉप हैवी, और बाबर का फॉर्म भी थोड़ा सा कंसर्न है, जो रिजवान है रिजवान से कहीं आगे बाबर बल्लेबाज के तौर पे, लेकिन बाबर बिल्कुल नहीं चल रहे, ये भी पाकिस्तान के लिए कंसर्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबर तो स्टार्ट भी नहीं ले पाए हैं पांच मैचेस में, और एक मैच में उन्होंने 26-27 रन बनाए, ओवरऑल बाबर बहुत शांत है, जो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो रहा है पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है।
और इतना शांत, इतना खराब बल्लेबाजी रही, मतलब रन नहीं बना पाए, खुद में भी जूझ रहे होंगे कि कैसे हम निकले, ऐसा तो नहीं मैं बैट पैच में घुस गया हूँ, मैं विराट कोहली ना बन गया क्या मतलब वो तो बहुत ही लंबा चल गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि खिलाड़ी भी अच्छा है, पर हाँ चिंता का विषय तो है बाबर के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, बाबर के बल्ले से रन नहीं आ रहा। और अगर आरपी देखें बाबर और रिजवान के बाद, वो इतनी बड़ी भले ही वहां पर बहुत उन्होंने, मुझे बड़ी हंसी आती है जब सब कह रहे थे हमें जावेद मियांदाद याद आ गया, पाकिस्तान के नसीम शाह ने दो छक्के क्या मार दिए, लेकिन उनकी बैटिंग में ऐसी क्वालिटी डेप्थ उनके पास भी नहीं है। ठीक है चौके छक्के नवाज मार लेता है, आसिफ मार लेता है, शादाब मार लेता है, नवाज मार लेता है, लेकिन वो डेप्थ क्वालिटी बैटिंग वाली डेप्थ उनके पास भी नहीं है कि एक बहुत अच्छा बैट्समैन जो है मिडिल ऑर्डर में वेट कर रहा हो, ऐसा नहीं है। 20-22 वाले ही हैं, दो तीन बड़े शॉट मार दिए, जिस दिन चल गया 40 बना दिया, वैसा कोई घुमा नहीं सकता मैच को। मैच घुमाने के लिए ऊपर ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को रहना आवश्यक है, किसी दिन चल गया अलग बात है, पर वो डेप्थ वाली बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर में स्थिति नहीं दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान के लोग बड़े खुश थे, वसीम अकरम ने भी बोल दिया, बाबर ने भी कहा दिया जावेद मियांदाद के बाद, भैया अब 2010 हम याद नहीं दिलाते, हमारे तो हरभजन सिंह ने आपके शोएब अख्तर और मोहम्मद आमिर को छक्के मार मार के मैच जिता दिए थे, शोएब अख्तर तो इतने चिड़ गए थे, उन्होंने कहा था आइए रात को रूम में मैं तुझे पीटता हूं, शोएब अख्तर ने कई बार इसका जिक्र किया, हम बैठ के साथ खाना खाते हैं और भज्जी मुझे गालियां निकाल रहा है और छक्के मार रहा है, दो दो तीन तीन छक्के भज्जी ने लगाए और आमिर को छक्का 2010 में ना छक्का लगा के मैच जिताया था, यार हमारा भज्जी काफी आप लोगों के लिए यार, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर एनीवे पाकिस्तान के लिए जो जो उनकी ताकत है वो है टॉप टू बैट्समैन, जो उनकी कमजोर कड़ी भी बन जाती है, क्योंकि आउट होते ही जो है उनका पूरा का पूरा जो है ना एक तरह से किला जो है, मतलब कहो कि किला का दरवाजा जो है टूट जाता है, और किला भेद देना है तो आपको टॉप टू में सेंध लगानी होगी, मतलब तोड़ना होगा। और दूसरी तरफ बॉलिंग अगर बात करें, बॉलिंग में कहीं ना कहीं बैलेंस तो बहुत अच्छा दिख रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बॉलिंग तुलना की जाए तो श्रीलंका से बेटर है, श्रीलंका गेंदबाजी जो कर रहे हैं, बॉलिंग अटैक देखिए एशियन, बिल्कुल श्रीलंका का जो बॉलिंग है अटैक है वो बेसिक बॉलिंग अटैक है, बेसिक गेंदबाज करते हैं, उसके आसपास गेंदबाज बाकी सामने गलती कर ले, पर ये पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है वो गलतियां क्रिएट करवाता है, स्किलफुल गेंदबाज, तो तुलना में तो पाकिस्तान काफी बड़े, नसीम शाह भी रहे, उनके जो लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक लेफ्ट आर्म स्पिन, वो भी एक नए कादिर को शायद ट्राई किया था, कादिर के बेटे, उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए, पर क्रम के हिसाब से पाकिस्तानी गेंदबाजी में ज्यादा धार ज्यादा पैनापन है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और एक और चीज यहां पर है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से मैं यहां पर ढूंढ रहा था एक चीज, तो ये बात जो थी मैं पूछना चाहता था पाकिस्तान की टीम की, तो खैर अभी मैं ढूंढूंगा तो बता दूंगा आपको। हाँ मैं ये बोल रहा था कि अगर टॉस की हम बात कर रहे हैं, जो टॉस जीत रहा है वो मैचेस जीत रहा है, यहाँ पर ज्यादातर मैचेस ऐसे हो रहे हैं, पिछली बार भी श्रीलंका ने टॉस जीता और हमने देखा कि पहले गेंदबाजी की और पाकिस्तान की टीम पूरी ढेर हो गई 121 रन पर, लेकिन उस मैच को हम ज्यादा हम तवज्जो नहीं देंगे, वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा मैच था जो मतलब उसका कोई मतलब डेड रबर था वो, तो वहां पर शायद पाकिस्तान ने भी इतना सीरियसली नहीं लिया होगा, लेकिन टॉस के बड़े मायने हैं आरपी इस मैच में कि जो टॉस जीतता है वो पहले गेंदबाजी करता है, उसका एडवांटेज हो रहा है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, 20-25% एडवांटेज दे रहा है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, 25% बहुत बहुत होता है। अगर आपको जीतना है तो पहले बल्लेबाजी आपके आ गए तो 20-30 रन आपको एक्स्ट्रा बनाने, मतलब आपको 3 ओवर की कुशन लेके चलना है, बिल्कुल, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है पहले बल्लेबाजी करके, अगर लग गए किसी तो बल गए, 180 के आसपास ही खड़े होते हैं अच्छी बैटिंग करके भी, बिल्कुल, और ये थोड़ा आराम हो जाता है जब बॉल सिक्स करने लगता है, बॉल हाथ से छूटता सही नहीं क्योंकि बॉल क्रिप करना कम हो जाता है, बिल्कुल, तो टॉस तो बहुत वाइटल है आज इस टूर्नामेंट में, टॉस आप देखिए हर मैच में अपना इंपैक्ट दिखाया टॉस ने, बिल्कुल टॉस का थोड़ा सा इतना इंपैक्ट कम होना चाहिए, तो ध्यान रखना पड़ेगा, टॉस हार गए तो यहाँ पर रिजवान और बाबर को खेलनी होगी, बिल्कुल जबरदस्त पारी यहाँ पर। तो चलिए ये तो बात है, लेकिन बात यहाँ पर ये निकल के आई कि श्रीलंका एशिया का किंग कौन, हम जो लगातार पूछ रहे हैं कौन को हटा के एशिया का किंग श्रीलंका होगा, ऐसा आरपी ने कहा, ऐसा हो सकता है।